फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाइन विद बबीता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हल्दी का बहुत ही हेल्दी दूध, जो कि एक चमत्कारी दूध भी है। इसको पीने से आपकी इम्यूनिटी, आपके बॉडी के अंदर जो कैल्शियम कमी है वो सब पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हल्दी क्योंकि एंटीबायोटिक होती है तो हमारे जो शरीर में जो भी बीमारियाँ होती हैं उनको भी ये दूर करती है। और इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है। इसको अगर आपने महीना भर पी लिया तो समझिए आपके जो बॉडी में कैल्शियम कमी है वो पूरी हो जाएगी। आपको कैल्शियम गोली खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसको बच्चों को दीजिए, खुद भी पीजिए और बड़े बूढ़ों को भी दीजिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हल्दी का चमत्कारी दूध बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ली है एक अच्छी हल्दी जो कि देखने में इस तरह की होती है। इसको मैंने धोकर छील लिया है और उसके बाद मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। यहाँ मैंने आधा लीटर दूध लिया है और मैं इसमें अब ये डाल दूँगी कद्दूकस की हुई हल्दी। हमें इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक पकाना है। ये दूध हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा होता है कि हमें जो हमारी बॉडी में कैल्शियम कमी होती है उसको पूरा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और हल्दी जो क्योंकि एंटीबायोटिक होती है इसलिए हमें बीमारियों से बचाती है। ये दूध जो है बनने के बाद इतना टेस्टी और इतना हेल्दी होता है कि इसको अगर आप महीना भर लगातार पी लेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए गोल्डन दूध भी कहा जाता है, क्योंकि जो केसर होता है वो बहुत महंगा होता है लेकिन सबके घरों में केसर नहीं होता। इसीलिए ये दूध उससे कहीं ज़्यादा, वही सारे गुण जो केसर में होते हैं उससे कहीं ज़्यादा गुण हल्दी में होते हैं। ऐसे ही यूनिक रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो आपका हल्दी का जो ऊपर आपका फाइबर बचा है इसको फेंकना नहीं है। इसको आप थोड़ा चीनी मिलाकर और अच्छे से चम्मच से खा सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो आपका ये जो हल्दी का जो हेल्दी दूध है वो बनकर तैयार हो गया है, केसरिया दूध। इसको पीने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में अगर आप इसको 1 महीना लगातार पी लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों को दीजिए, अपने आप भी पीजिए और जो आपके घर में बुज़ुर्ग हैं उनको भी दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।